दोस्तों ये टाटा सुमो विक्टा है और इसका ओवरहीटिंग प्रॉब्लम है, तो हम जानेंगे कि ओवरहीटिंग प्रॉब्लम कैसे आ रहा है इसमें और उसका जो ओवरहीटिंग प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से वो पूरा पानी बैक कर दे रही है। तो हम चेक करेंगे इसको पहले थर्मास्टर वाल्व खोलकर। और टाटा सुमो विक्टा ज़्यादा दिन खड़े रहने से भी इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि थर्मास्ट वाल्व जाम हो जाता है, तो हम इसको वही चेक करने वाले हैं। टाटा सुमो विक्टा का थर्मास्ट वाल्व कि वो खुल रहा है कि नहीं, अगर नहीं खुल रहा होगा तो हम इसको निकाल कर बंद कर देंगे। अभी इमरजेंसी गाड़ी है एम्बुलेंस और इसको रनिंग करना यानी चलना बहुत ज़रूरी है फास्ट, इसके लिए इसके अंदर थर्मास्ट वाल्व रहना भी ज़रूरी है कि इंजन के लिए उतने टेम्परेचर पर चलेगा, खुलेगा और सप्लाई बराबर करेगा पानी की। मगर कुछ कारण उसका जो थर्मास्ट वाल्व ज़्यादा दिन खड़े रहने से बंद हो जाता है, वो समय पर खुलता नहीं। गाड़ी जितनी हिट होने के बाद वो खुल जाना चाहिए, नहीं खुलने की वजह से वो जाम करता है। तो हम खोल देंगे उसका पहले थर्मास्ट वाल्व का एल्बो और चेक करेंगे टाटा सुमो विक्टा ओवरहीटिंग प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो इसके लिए हमको 10 के 4 नट्स खोलना होंगे, तो हमने वो लगभग खोल चुके हैं। अब हम उसको उसके जो पाइप है और फ्लो पाइप, वो पाइप हम निकालेंगे उसका थर्मास्ट वाल्व से आगे का और हम उसको चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना उसके अंदर जंग आ चुका है और इसके जो लॉक्स है जो ड्रॉप करने वाले वाटर वो भी पूरे ढीले हो चुके हैं, जिसके कारण वो काफ़ी जाम हो गया होगा वाल्व। हम उसको बाहर निकाल के चेक करेंगे। तो पैकिंग के साथ ही निकल जा रहा है, वैसे भी उसकी पैकिंग एडिशनल होती है थर्मास्ट वाल्व की। आप देख सकते हैं कि पूरा जंग से भर चुका है थर्मास्ट वाल्व। अब उसके जो पिन हैं जिसमें से हीटिंग पानी जो है ड्रॉप होते रहता है, तो वो पूरे ख़त्म हो चुके हैं और इसकी कैपेसिटी भी बहुत टाइट हो चुकी है वाल्व की कि वो वर्क नहीं कर रहा। उसको मार कर देखेंगे इसको ड्राइवर से कि उसमें कितनी कैपेसिटी है, वैसे तो वो काम नहीं कर रहा, बहुत टाइट हो गया है। तो उसको हम निकाल देंगे थर्मास्ट वाल्व को, फिर भी चेक कर ले तो समझ में आएगा कि थर्मास्ट वाल्व अभी काम कर रहा है क्या नहीं। थर्मास्ट वाल्व तो पूरा टोटली जाम हो चुका है, स्प्रिंग में भी बहुत टेंशन आ गया, इतना स्प्रिंग दबेगा नहीं, जब वो दबेगा स्प्रिंग तो ही वाल्व खुलेगा, वो नहीं खुलता हो। तो थर्मास्ट वाल्व ये ख़राब हो चुका है, हम इसको अब नहीं डालेंगे, अभी तुरंत में गाड़ी चालू कर देंगे जिससे गाड़ी को अभी एम्बुलेंस है पेशेंट लेकर जाना होते फास्ट में, तो उसके लिए हम उसको विदाउट थर्मास्ट वाल्व के पाइप फिट कर देंगे और गाड़ी चालू करके देखेंगे। हम आप अंदर से भी देख सकते हैं एल्बो के अंदर भी कितना जंग आ चुका है, जैसे कि वो चल रहा है मगर थर्मास्ट वाल्व नहीं खुलने के वजह से हिट हो जा रहा है गाड़ी, बैक कंप्रेशर आ जा रहा है उसके अंदर। अब हम इसको चालू करके देखेंगे, पहले तो वाल्व को फिट करेंगे, पैकिंग साफ़ करके एल्बो लगा देंगे उसका हम। अब इसको पैकिंग की ज़रूरत नहीं, इसको हम रबर बॉन्ड ट्यूब ही लगाएंगे जिससे कि वो उसकी पैकिंग बना लेता है ऑटोमेटिकली। पैकिंग रबर ट्यूब अच्छे से लगाना चाहिए, इसकी अच्छी पैकिंग बन जाए। तो हम उसको पैकिंग बनाकर अभी साफ करके फिट कर देंगे। अब ये तो हमने रबर ट्यूब लगाकर उसको लगा दिया और अब हम 4 नट्स उसके टाइट करके और ऊपर से पाइप लगा के हम उसको पानी भर के चालू करेंगे।
तो 10 की 4 नट लगा देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा चालू करने में। तो हमारे चारों नट टाइट हो चुके हैं और हम अब एयर ग्रेदर की पाइप लगाएंगे रैपिड कवर में और एयर ग्रेदर में और उसका क्लिप भी लगा देना होगा हमको जहाँ के वहाँ, जिससे ऑयल लीकेज नहीं होगा गैस में। और अभी ऊपर का हम रेडर का मेन ओवर फ्लो पाइप का जो क्लिप है वो हम उसको फिट कर देंगे। और झड़ा के और ये देखिए ऑपरेटर पूरा साफ दिख रहा है अभी इधर से नाली, इसमें मटेरियल नहीं है तो हम इसमें पानी भरेंगे और चालू करेंगे। उधर जाओ टैंक लगाना उसको। और उसको हम चालू करेंगे अभी टाटा सुमो विक्टा को। टाटा सुमो गोल्ड भी है इसमें पर ये विक्टा वाला मॉडल है और हमने गाड़ी चालू करे और हम इसमें पानी भरेंगे। और पानी पूरा इंजन का टोटल निकल चुका है तो उसको हमको पूरा पानी भरना होगा उसमें, तो हमको समझ में आएगा। और पानी पूरा भरने के बाद हम इसके अंदर देख लेंगे। अभी देख पानी भरते आ गया है और इसमें पानी लगभग भर चुका है, इसमें काफ़ी सारा जंग है वो तो हम उसका पानी ड्रेन कर देंगे और इसमें कूलेंट डालेंगे और इसका वाटर सर्कुलेशन अब चालू हो चुका है। तो ये था टाटा विक्टा का थर्मास्ट वाल्व प्रॉब्लम, टाटा विक्टा ऑपरेटिंग प्रॉब्लम।